दोस्तों आईपीएल 2024 के लिए मिनी ऑक्शन कल दुबई में हुआ और इस नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई टीम के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने तूफान मचा दिया। उन्होंने आईपीएल इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नीलामी में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस ने इतिहास रचा और वो 20.5 करोड़ में बिकने वाले सबसे महंगे प्लेयर बने। उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा, मगर उनका यह रिकॉर्ड घंटे भर में ही टूट गया और यह रिकॉर्ड स्टार्क ने तोड़ा। अब वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें केकेआर की टीम ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल नीलामी 2024 में जब बोली के लिए स्टार्क का नाम आया तो दिल्ली कैपिटल्स की ओर से कप्तान ऋषभ पंत ने शुरुआत की और फिर इस रेस में मुंबई इंडियंस आई। जब स्टार्क के लिए बोली 8 करोड़ के पार पहुंच गई तो मुंबई ने अपने हाथ खींच लिए और यहां से केकेआर ने एंट्री ली। 10 करोड़ के बाद दिल्ली ने भी हाथ खींच लिए, फिर गुजरात टाइटंस शामिल हुई और आखिर तक केकेआर और गुजरात के बीच ही टक्कर चलती रही। यही वजह रही कि स्टार्क बड़े आराम से 20 करोड़ के पार हो गए और आखिर में कोलकाता ने 24.75 करोड़ रुपए के साथ बाजी मार ली और इस तरह स्टार्क ने इतिहास रच दिया। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि 33 साल के स्टार्क 8 साल बाद आईपीएल में खेलने उतरे हैं। वह आईपीएल में आखिरी बार 2015 में आरसीबी की ओर से ही खेले थे और इस बार स्टार्क का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। स्टार्क ने अभी तक सिर्फ 2 ही सीजन खेले हैं और उन्हें सबसे पहले 2014 में आरसीबी ने 5 करोड़ रुपए देकर खरीदा था। बाकी दोस्तों इस पे आप लोगों की क्या राय है यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।